दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे क्रांतिदर्शी विचारक, उत्पीड़ितों के एक ऐसे महानायक जिनकी शिक्षाएं, जिनके विचार हमारे देश के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज भारत के अनेक संदर्भ हो सकते हैं जिन पर डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन की रोशनी में मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं चूंकि बहुत कम समय में आपसे ये बात करनी है, मैं सिर्फ दो संदर्भ उठाता हूं जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। पूरी दुनिया, भारत सहित समूची दुनिया महामारी से इस समय घिरे हुए हैं, और ये जो महामारी है, जो वैश्विक है, उससे भारत सहित अनेक देशों में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। तो पहली बात जो हम आज करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर महामारियों को लेकर कैसे देखते थे उनको, और कैसे सोचते थे उन्होंने, महामारी पर क्या कुछ कहा है, और भारत में जो महामारी का कॉन्टेक्स्ट है और जो समाज है और जो गवर्नेंस है उसको वो कैसे देखते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जो संवैधानिक लोकतंत्र है, और जो आज के हालात हैं, उस पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो चिंतन धारा थी, जो उनकी वैचारिकी थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर उन्होंने बार बार जो बातें कही थी, वो आज कितनी रेलिवेंट है, इन्हीं दो मुद्दों पर मैं आज केंद्रित करूंगा। पहले मैं शुरुआत करता हूं महामारी को लेकर। दोस्तों ये जो महामारी आज आई है, इसके पहले अगर हम महामारियों के इतिहास के पन्ने पलटें तो हम पाएंगे कि दुनिया में अनेक महामारियां आई हैं अलग अलग वक्त पर, अलग अलग कालखंड में, और कई ऐसी महामारियां आई हैं कि दुनिया के अनेक मुल्कों की तरह उसमें भारत भी झुलसा है। हम जब औपनिवेशिक गुलामी के दौर में थे तो 1918 में जो एक इन्फ्लुएंजा, जिसको स्पेनिश इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता था, उसने जब दस्तक दी, खासकर जिसको आज मुंबई कहते हैं, उस समय बंबई कहा जाता था, उन इलाकों से शुरू हुआ था और समूचे भारत में उसकी पहुंच हुई, लेकिन सबसे अधिक वो इलाका प्रभावित हुआ। और इतिहास बहुत, भारत के इतिहासकारों की तरफ से बहुत उस पर बड़ा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन जो काम उस दौर के और उसके बाद के रिसर्चर ने किया, ये माना जाता है कि उस महामारी में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग भारत के सिर्फ मारे गए थे, यानी हमारे मुल्क के लोग मारे गए थे। इतनी बड़ी महामारी होती, उस महामारी पर जब डॉक्टर अंबेडकर ने नजर डाली, उस पर जब उन्होंने एक बार लिखा अपने जो उनकी जो स्पीचेस और उनकी जो राइटिंग्स का जो वॉल्यूम है, उसके खंड 5 में, जो अंग्रेजी का जो वॉल्यूम है उसका 5वां जो खंड है, उसमें उन्होंने 1918 की महामारी पर लिखा है। और वो क्या लिखा है, उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही एक ऐसी बात है जो आम तौर पे दूसरे लोगों ने कभी नहीं लिखा, क्योंकि दूसरे लोगों ने उस संदर्भ को, उस समस्या को, उन समस्याओं की उन परतों को शायद फील नहीं किया था। बाबा साहब लिखते हैं, मैं उनकी जो बात है वो अपने शब्दों में रख रहा हूं, अंग्रेजी से हिंदी भावांतरित कर रहा हूं। वो ये था कि 1918 में इन्फ्लुएंजा की महामारी जब बॉम्बे आई तो कुछ एक डॉक्टरों को देखा गया जो उच्च वर्णों के थे, कि वो निम्न वर्ण के लोगों को देखने से तुरंत इनकार कर देते थे। ये जो एक घटना हुई थी उस पर बाबा साहब अपनी बात कहते हैं और बताते हैं कि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, ये हमारी मनुष्यता हमसे छीन रही है। ये महामारी के कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं। दोस्तों आज आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर की कही हुई उन बातों को आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, हमारे देश में बहुत कोशिश हो रही है, हम औपनिवेशिक गुलामी के शिकार आज नहीं है, हमारी चुनी हुई सरकारें हमारे देश में हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में इस महामारी के दौर में, जब पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया
एकजुट होकर इससे उबरने की और जूझने की कोशिश कर रही है, मनुष्यता को बचाने की कोशिश करते कर रही है। लेकिन हमारे यहां भी सियासत के बड़े हलके में और मीडिया के बड़े हलकों में यहां पर समाज को विभाजित कर दिया गया है। हम एक विभाजित मुल्क की तरह इस महामारी से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे देश समाज उभर जाए। लेकिन क्या दुनिया में ऐसा कहीं देखा गया है? क्या दुनिया में ऐसी कहीं वर्ण व्यवस्था है? अगर हम अंबेडकर साहब के विचारों की रोशनी में हम देखें तो वर्ण व्यवस्था हमारे जनतंत्र की, हमारे राष्ट्र की बुनियाद के विरुद्ध है। वर्ण व्यवस्था, अंबेडकर बार बार कहते हैं कि यह हमें एक राष्ट्र नहीं बनने देगी, हमें यह डेमोक्रेसी नहीं बनने देगी। और यकीनन दोस्तों, हम कहने के लिए तो भारतीय राष्ट्र राज्य हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो हम किस तरह के राष्ट्र हैं, हम किस तरह का समाज हैं, हम किस तरह की डेमोक्रेसी हैं। और डॉक्टर अंबेडकर को मैं कोट करता हूं, उन्होंने बार बार एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा कि वर्ण व्यवस्था जब तक है तब तक भारत में डेमोक्रेसी और राष्ट्र जिसे आप कहते हैं उसकी बुनियाद हमेशा हिलती रहेगी, क्योंकि ये नेशन यानी एक राष्ट्र और एक जनतंत्र दोनों के खिलाफ है, दोनों को ये ठीक से खड़ा नहीं होने देगी। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। और दोस्तों, दूसरी बात कहकर मैं अपनी बात संक्षेप में आज खत्म करूंगा। उन्होंने जो बात अपनी कही संवैधानिक लोकतंत्र और आज के हालात के बारे में, उनकी जो बातें हैं वो कैसे, कितनी सटीक हैं, कितनी रिलेवेंट हैं, वो कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चाहते थे। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, जो बार बार कहा जाता है बहुत सारे अंबेडकरवादियों को भी, जो अंबेडकर साहब के बड़े अपने को समर्थक कहते हैं, कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के सपनों का ये संविधान है। दोस्तों, मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि जो मौजूदा संविधान है निश्चित रूप से बहुत बेहतर संविधान है और इसको बचाना हम सबकी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का संविधान नहीं है। जिस तरह का संविधान वो बनाना चाहते थे उसकी, उसके लिए उनको मेजॉरिटी सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था। और बार बार ये बात उन्होंने कही, उन्होंने इशारों में और संकेतों में और ठोस संकेतों में कहा कि जिस तरह से कुछ ही वर्णों के लोग, बल्कि बहुत कम वर्णों के लोग, अगर उनकी संख्या देखी जाए उन्हीं की बहुतायत है हमारे संविधान सभा में, ऐसे में हमारी बात को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और इसके लिए उन्होंने अनुसूचित जाति जो महापरिसंघ था उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, और उसमें उस डॉक्यूमेंट को जब उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने कहा था, अपने मित्रों के बीच संबोधित किया और उसको सर्कुलेट भी किया था संविधान सभा के कुछ सदस्यों के बीच, उसमें उन्होंने भारत का नाम जानते ही क्या रखा था, संयुक्त राज्य भारत। और संयुक्त राज्य भारत के संविधान में उन्होंने क्या बात कही थी, उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही थी। और उन्होंने ये कहा था कि हर चीज संसद में या विधान मंडलों में केवल प्रचंड बहुमत के बल पर ऐसी चीजें नहीं तय होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों और राष्ट्र राज्य की बुनियादी जो समस्याएं हैं, बुनियादी जो मसले हैं, उन पर कोई एक तरफा फैसला प्रचंड बहुमत के बल पर सिर्फ कर ले। उन्होंने अमेरिकी संविधान की रोशनी में कहा था कि अमेरिकी संविधान में प्रावधान है कि मौलिक जो उनके सिद्धांत हैं और बड़े जो इश्यूज हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ बहुमत की प्रचंडता नहीं चलती, बहुमत का वर्चस्व नहीं चलता, बल्कि ये देखा जाता है कि कैसे 3/4 बहुमत भी लिया जाए और साथ में सभी स्टेट्स की उस पर मंजूरी भी ली जाए। लेकिन दोस्तों, आज का संदर्भ अगर आप देखते हैं तो हम देखते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक न जाने कितने ऐसे फैसले जनता समाज और राष्ट्र राज्य को प्रभावित होने वाले किए जा रहे हैं, जिनका हमारी जो संवैधानिक जो व्यवस्था होनी चाहिए थी डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में उससे मेल नहीं खाता। प्रचंड बहुमत के बल पर सब कुछ किया जा रहा है और सब कुछ जो है उसके आधार पर तय किया जा रहा है। और दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में जो अपना आखिरी भाषण दिया था वो 25 नवंबर 1949 को दिया था। उन्होंने जो कहा था उसको मैं बहुत संक्षेप में, आज के भारत के हालात पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि कहां भारत गया है और क्यों गया है। दोस्तों, जो सरकारें बनी, और मैं तो ये कह रहा हूं कि आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो शुरू से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं, उन्होंने बाबा साहब के शब्दों को अगर अमल किया होता तो शायद भारत की स्थिति आज ये न होती। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे जब हमारा संविधान लागू होगा, उनके कहने का मतलब था। लेकिन यह अंतर्विरोधों की दुनिया होगी,
एक तरफ तो जनतंत्र गणराज्य उसका लागू हो जाएगा, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत चालू हो जाएगा, लेकिन जीवन में, वास्तविक जीवन में गैर बराबरी कायम रहेगी। अगर आगे आने वाली सरकारों ने इसको कानून के जरिए, संविधान की रोशनी में, अपने कार्यक्रमों के जरिए गैर बराबरी को खत्म न किया, सामाजिक और आर्थिक दोनों की बात वो करते हैं कि दोनों गैर बराबरी को खत्म नहीं किया, तो हमारा जनतंत्र इस संविधान के रहते हुए भी शायद टिक नहीं पाएगा। उनका कहना था कि इसको लोग चुनौती देंगे। दुर्भाग्यवश भारत की आवाम, जो गरीब जनता है, उसने दोस्तों अब तक चुनौती तो नहीं दी, लेकिन जिस तरह जो संविधान की रोशनी में तंत्र बना था, जिस तरह वर्चस्व की शक्तियों ने ही उसको बदशक्ल कर दिया है, आज की एक बड़ी असलियत है दोस्तों। और डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मैं यही कहूंगा कि सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी खत्म किए बगैर आप भारत को एक सुखी, समृद्ध, खुशहाल जनतंत्र नहीं बना सकते। दोस्तों, अब मैं एक बात जरूर कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, और वो ये कि उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जो हिंदुत्व है और जो हिंदू धर्म है, बुनियादी तौर पर वो एक धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कर्मकांड है, ये रिचुअल्स और ऑब्जर्वेंसेस पर आधारित है, ये मंदिर का धर्म है। मनुष्य के प्रति प्रेम इसके मूल में नहीं है, और मनुष्य के प्रति प्रेम के बगैर मनुष्य की सेवा का भाव कैसे पैदा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज जो स्थितियां हमारे समाज में, गरीबों के प्रति, उत्पीड़ितों के प्रति, आपने देखा मजदूरों के बारे में हमारे समाज का क्या रुख था, जो मजदूर सड़क पर मजबूरी में आ गए थे, आप देखे देखा उनको किस तरह से ट्रीट किया गया। आज भी कैसे एक औरत 5 बच्चों को डुबो कर अपने आप अभिशप्त होकर बच जाती है, किस तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे लोग उन सेंटर्स पर जहां पर उनको आइसोलेशन में रखा गया है वहां से जंप करके अपने आप को खत्म कर रहे हैं, जिस तरह के हालात आज अपने समाज के हैं इस महामारी में, मुझे लगता है कि वर्ण व्यवस्था का उससे एक रिश्ता है, जिसने हमारे समाज में प्रेम, सद्भाव और जनतंत्र की जो भावना है उसको मैच्योर होने नहीं दिया है। बाबा साहब इस तरह के धर्म को कहते थे कि इसे मनुष्यत्व प्राप्त करना होगा, इसको अगर मनुष्यता से नहीं जोड़ा गया, वो कहते थे कि ये मिशनरी नहीं है। इस रिलीजन की सबसे बड़ी समस्या है कि ये मिशनरी नहीं है। इसलिए मिशनरी अगर बनाना है दोस्तों किसी भी धर्म को, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से उसको देखना होगा कि हमारे समाज को अलग अलग खानों में न बांटा जाए, सिर्फ कुछ लोगों को इस आधार पर न कोई जिहादी कह दिया जाए कि वो अपने जाहिलपन में कोई गलती कर बैठते हैं और सत्ता उनको गलती करने तक की छूट देती है और फिर उन्हीं को गुनाहगार बताते हैं, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए बहुत सारे तर्क, बहुत सारी दलीलें गढ़ते हैं। तो दोस्तों, बहुत संक्षेप में आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि, अपना सलाम पेश करते हैं और आप सबको बधाई और शुभकामना देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।